हरिओम, मेरा नाम अपूर्वा वीरा भरत सिंह राणे है और मैं मुंबई से हूँ। मैं दादर उपासना केंद्र पे जाती हूँ, तेलुगु उपासना सेंटर पे। और वैसे हमें बापू ने 1997 से ही अपने परिवार में शामिल करके लिया है और हम इसके लिए अंबद्धियाँ हैं। मैं आपको अपने इस सुंदर प्रवास के कुछ अनुभव आपको बताना चाहूँगी। 1998 में 3 जून को हम लोग ऐसे ही बापू से मिलने गए थे। मैं, मेरे पति और बापू, हम तीनों नवनीत के ऑफिस में मिले थे उनको, और बापू से कहा, बापू मेरे पिताजी की मुझे बहुत याद आती है। तो बापू बोले, मैं कौन हूँ, मैं भी तो तुम्हारा डैड हूँ। तो मैं इतनी खुश हो गई, और बापू ने कहा, कभी भी तुम्हारी डैडी की याद आती है तो बिंदास यहाँ चले आने का। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश की हूँ और मेरा ससुराल मुंबई है। और बापू ने जब ये कहा तो मुझे बापू के इस सिर्फ मैं तुम्हारा डैड हूँ इस एक शब्द ने इतना बड़ा परिवार, बापू परिवार दिया, इतना प्रेम, इतना सुंदर अनुभव मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे एक अनुभव है, 20 नवंबर 1998 की हमारी एनिवर्सरी थी और हम लोग बापू को नमस्कार करने के लिए गए थे। और हम लोगों ने बापू को नमस्कार किया, दोनों ने भी, मैं और मेरे पति ने। और बापू ने अपने टेबल के ऊपर रखे हुए कांच के डब्बे में से उसमें शेंगदाने भरे हुए थे, और बापू ने भरत को प्यार से आगे बुलाया और कहा, आगे आओ। और भरत आगे गए और बापू ने कहा, हाथ आगे करो। तो भरत ने फटक से अपने जेब में से रुमाल निकाला और बापू के सामने हाथ कर दिया। बापू ने उस कांच के इसमें से डब्बे में से ऐसे हाथ भर के शेंगदाने बापू ने भरत के रुमाल में रख दिया। और मैं ऐसे मन में देख रही थी और मैंने कहा, बापू मुझे शेंगदाने अच्छे नहीं लगते, ऐसे मैंने मन में ही कहा। और इतने में बापू ने भरत को हंस के ऐसे पप्पी लिया उनका और भरत बाजू में खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं आगे गई और बापू दे रहे हैं, इसलिए मैंने फटाक से अपना आंचल आगे कर लिया। और बापू ने फिर से हाथ डाला उस कांच के बर्डी में और ऐसे भर के फिर उन्होंने मेरे आंचल में दे दिया। और मैंने फटाक से ऐसे बंद कर लिया और हम दोनों नमस्कार करके फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने अपना आंचल ऐसे खोल के देखा और मैंने भरत को पूछा, आपको बापू ने क्या दिया? तो उन्होंने मुझे कहा, शेंगदाना था उसमें, तो शेंगदाना ही देंगे ना। तो मैं बोला, नहीं देखो मेरे इसमें, मेरे को तो सब काजू मिले हैं। तो बापू, भरत ने ऐसे देखा 2 मिनट, वो भी कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने मुझे कहा, तुमको शेंगदाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बापू ने तुम्हें काजू दे दिया। और मैं इतनी खुश हो गई, मीन्स जो चीज़ अपने बच्चों के मन में है वो सिर्फ एक सद्गुरु माउली ही पहचान सकती है, वो बिना बताए। इतना मेरा सुंदर अनुभव था वो, कि आज भी मुझे ऐसा लगता है जो अभी हुई है ये घटना। ऐसे ही सुंदर प्रवास होते होते मैं आपको अभी मेरे साथ हुई एक अनुभव सुनाना बताऊँगी। 25 अक्टूबर 2013, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आंध्र प्रदेश की हूँ, मेरे माता पिता पुट्रेला करके एक छोटा सा गांव कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में वहाँ रहते हैं। मेरी शादी के बाद मैं मुंबई आ गई, पर मेरे पिताजी के साथ मेरा बहुत लगाव है, मेरा मीन्स एक बहुत ही अलग अटैचमेंट है मेरे फादर के साथ। 25 अक्टूबर को जब मैंने ऐसे ही रोज़ जैसे फ़ोन करती हूँ, मैंने घर पर फ़ोन किया तो मेरी मम्मी ने कहा, तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी रात को, उनको घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर 2 बार आकर गए हैं, उन्होंने शहर ले जाने के लिए कहा है। तो मैंने कहा, पर ठीक है, आप शहर लेके जाओगी, फिर डॉक्टर क्या बताएंगे मुझे बताना आप। लेकिन फ़ोन रखने के बाद पता नहीं मेरा मन बहुत ऐसे बेचैन सा हो गया था, मैं बहुत ऐसे रोने लगी थी। और मैंने भरत सिंह को फ़ोन किया, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी का अभी जाना है। तो भरत सिंह ने कहा, अरे सिर्फ घुटनों में दर्द है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बापू है ना। तो मैं आके बैठ गए, लेकिन 11 बजे फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, बेटा हम डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अभी का अभी निकल जाओ। मैं इतना रो रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूँगी, इतना दूर का हमारा ट्रैवलिंग था। तो मेरे ऑफिस के कलीग ने ही मेरा टिकट बुक कर दिया फ़्लाइट का, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच सकूँ। और मैं, हम लोग फ़्लाइट से हैदराबाद गए, हैदराबाद में मेरी दीदी रहती है सत्यवानी, उसके गाड़ी में हम लोग फिर गांव जाने वाले थे। फिर हम लोग फटाफट पहुंचे, गांव जाने तक रात के 10 बज गए थे।
मेरे पहुंचने के पहले ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था। 26 तारीख 2013 को उनका सब अंतिम विधि हो गया और उसके बाद ये सब इतना अचानक हो गया कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया था, वही डॉक्टर जो मेरे पिताजी को ट्रीटमेंट दे रहे थे। डॉक्टर आए और मेरी मम्मी की सब दवाई वगैरह दी और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया, तो मैं बहुत रो रही थी उनको देख के। तो उन्होंने कहा, तुम लोग तो बिल्कुल रोने का ही नहीं, तुम्हारे पिताजी बहुत ही खुशी से गए हैं। मेरे लाइफ में, मेरे प्रैक्टिस में, इतने सालों के प्रैक्टिस में मैंने किसी भी इंसान को इस तरह जाते नहीं देखा। तुम्हारे पिताजी को मैं रात को 2 बार मिलने आया, मैंने उन्हें इतनी बार पूछा तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कह रहे थे कि, मैंने उनको यही पूछा कि आपको कोई तकलीफ़ है, कहीं दर्द हो रहा है तो बताइए, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे थे कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम फाइन डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पिताजी कह रहे थे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं एकदम खुश हूँ। और वो कहते हैं, इतना सुकून से जाने वाला कोई इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और जब डॉक्टर मुझे ये सब बता रहे थे तो मुझे ऐसे कहीं ऐसे मेरे आंखों के सामने ऐसे दिख रहा था कि जैसे मेरे पिताजी बापू का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन मन में एक दुख था कि मुझे मिले बिना, मुझे बताए बिना मेरे डैडी अचानक ऐसे क्यों चले गए, ऐसे कैसे जा सकते हो। और सब अंतिम संस्कार और सब बाकी के जो भी होते हैं वो सब पूरा करके हम लोग फिर से मुंबई लौट कर आए। और उसके बाद 28 नवंबर 2013 मुझे स्टेज पे आरती थी, मैं बहुत खुश थी। आज एक महीने से ज़्यादा हो गए थे मेरे पिताजी गुजर के, लेकिन अभी भी मन में एक बहुत भारी और वही प्रश्न कि मुझे मिले बिना मेरे पिताजी कैसे जा सकते थे, यही सवाल था। स्टेज पे जब आरती थी तो मैंने सोचा बापू बहुत पास से मिलेंगे, मैं उनको बापू को ज़रूर बताऊँगी कि आई मिस माई डैड बापू। लेकिन आरती के बाद मैं उन्हें कुछ भी बता नहीं पाई और मैं ऐसे ही उतर कर नीचे आ गई। और फिर बाद में मेरी ड्यूटी स्टेज के पीछे थी और मैं वहाँ खड़ी थी। ये 28 नवंबर 2013 ये अधिवेशन के बाद का पहला गुरुवार था और सब उस दिन जो दर्शन के लिए श्रद्धावान आए थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वी लव यू डैड, वी लव यू डैड। तो मुझे ऐसे लगा, अरे बाप रे, सब लोग आई लव यू डैड कह रहे हैं और मैं तो कहने वाली थी आई मिस माई डैड। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा अच्छा हुआ बोला नहीं, नहीं तो बापू को कितना बुरा लगता था मैं ऐसे बोल देती थी। और उस दिन फिर घर जाने के बाद मैं बहुत ऐसे रोने लगी और रोते रोते ही मैं सो गई, बापू को सॉरी कहा और सो गई। और नींद में मुझे ऐसे एक सपना आया, एक एकदम प्रकाश था, सफ़ेद प्रकाश, मुझे बापू दिख नहीं रहे थे लेकिन मैं बापू का आवाज़ एकदम क्लियरली मेरे कान में सुनाई पड़ रहा था। बापू ने मुझे कहा, अपूर्वा बेटा तुम आती तो तुम्हारे पिताजी मेरे साथ कभी नहीं आते और मुझे भी उन्हें ले जाने में बहुत तकलीफ़ होता। ये सुनने के बाद मुझे नहीं मालूम सुबह हो गई थी, भर से ने उठाया, लेकिन वो सुबह मेरे लिए इतनी अलग सुबह थी, मैं एकदम फ्रेश एकदम खुश ऐसे उठी थी। इतने दिनों के बाद मैं बहुत ही हल्का हल्का महसूस करने लगी थी। इसीलिए मेरे बापू मनस सामर्थ्य दाते हैं, जो मन के सब दुखों को जानते हैं और उसे हल्का करते हैं। आई लव यू डैड, आई लव यू वेरी मच, I can never miss you in my life. You are always there with me forever. आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अंबद्य बापू, I love you very much बापू, अंबद्य।